इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई. देखिए किस तरह से इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, समझते हैं. यहाँ पर चार वर्टिसेस दिए हुए हैं, एक तो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं. और कौन सी फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है. पूछा क्या हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है. और ये बोला गया कि वर्टिस किस तरह से ऑर्डर में दिए हुए हैं, मतलब अगर आप इसको वर्टिस ए बोलेंगे तो इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए. जिस तरह से सीक्वेंस लगा हुआ है ऐसे ही हम डायग्राम में इसको बनाएंगे. आइए दोस्तों चलते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको लेट से हमने इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, इसको डी बोल दिया. यहाँ पर अब इसके वर्टिसेस के जो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बना लीजिए. 1, 2 इसका कोऑर्डिनेट था, 4, y इसका कोऑर्डिनेट था, x, 6 इसका कोऑर्डिनेट था, 3 और 5 इसका कोऑर्डिनेट था. ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट देखिए हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिए हैं. फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है जी. अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें x और y की वैल्यू पूछी है. पैरेललोग्राम की जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस फिगर की, और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है तो हम कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लगाएंगे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिले. एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, अननोन है, अननोन है. तो कोई भी पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे जिससे कि अननोन का हम रिलेशनशिप बना सके. तो एक प्रॉपर्टी तो जैसे हम बोलते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना. एक तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि ये वाली जो साइड है ना ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है. एक बात तो हम ये बोल सकते हैं. दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है. डायगनल ईच अदर एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे. कहने का मतलब अगर मैं ये दोनों डायगनल बना लेता हूं तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो जहां पर ये मिल रहे हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट दोनों ही डायगनल के लिए सेम आता है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल बाइसेक्ट करता है. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कौन सी इजी होगी जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. देखिए अपोजिट साइड अगर पैरेलल लेके जाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी, लीनियर इक्वेशन टाइप बनती हुई नजर आएगी, ठीक है. और अगर डायगनल वाली प्रॉपर्टी को लेंगे तो यहां पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा. तो यही वाली प्रॉपर्टी लेते हैं, इजी रहेगी, डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि एक्स और वाई देखिए इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायगनल पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी की यहां पर बात करी है. अब देखिए आइए दोस्तों उसको लेकर चलते हैं, कैसे करेंगे आइए समझते हैं. अब देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, लेट से ये ओ पॉइंट है, ठीक है. तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, एसी डायगनल का, और मिड पॉइंट ऑफ कौन से डायगनल का, डीबी डायगनल का, ठीक है. ये दोनों है और ये दोनों मिड पॉइंट क्या है, ये इक्वल है. ये प्रॉपर्टी हमारे पास है यहां पे. तो मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाल लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला में इसको डालेंगे. देखिए रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 की रेशियो हो जाएगी दोनों तरफ से. और क्या आएगा रिजल्ट, 1 + x, ठीक है, डिवाइड बाई 2. 1 + 1 2 हो जाता है, 2 + 6 डिवाइड बाई 2. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस ओ पॉइंट के एसी डायगनल पे ये होंगे, इजिकल टू बराबर हैं किसके, देखिए डीबी के कोऑर्डिनेट. डीबी क्या है, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 1:1 का रेशियो है, 5 + 5 डिवाइड बाय 2, ये इस तरह से आएंगे, ठीक है. सिंप्लीफाई करते हैं वन मोर लेवल. देखिए 1 + x डिवाइड बाय 2 जाएगा, ये आएगा 8/2, ये हो जाएगा 4, ठीक है. ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 5 + y/2. तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे. इक्वेट कर दीजिए और वैल्यू निकालिए. देखिए x को अगर हम करेंगे तो 1 + x/2 = 7/2. 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए और x की यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 7 - 1 = 6 आ जाएगी, मार्क कर दीजिए. सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 4 = 5 + y/2, ठीक है. 8 = 5 + y, और y की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y = 3 आ रही है, ठीक है. तो हमने क्या आप यहाँ पे क्या कि x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली. तो x क्या था, 6, y क्या था, 3. ये कोऑर्डिनेट है किसका, मिड पॉइंट. तो यहाँ पर यही चीज देख देते हैं, ओके कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 3. और पूछा क्या
था हमसे एक्स और वाई की वैल्यू थी पूछी थी, एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 3। इस तरह से दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।